दोस्तों आज हमारे पास आया डाइकन का एसी का रिमोट। कस्टमर कह रहा है ये रिमोट मेरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम ये हमारा रिमोट टेस्टर है दोस्तों। सबसे पहले इसके अंदर हम सेल डालते हैं और चेक करते हैं कि ये फंक्शन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए डिस्प्ले पे लिखा तो आ गया, लेकिन देखते हैं ये बटन काम नहीं कर रहा दोस्तों ऑन ऑफ का, पावर शील्ड भी काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है ऑन, मतलब नीचे की लाइन काम कर रही है, ऊपर के बटन काम नहीं कर रहे। तो सबसे पहले इस रिमोट को हम खोलते हैं और टेस्ट करते हैं। सेल निकालेंगे दोस्तों, किसी नुकीले पेच कस्से से खोलेंगे क्योंकि इसमें कोई पेच नहीं है दोस्तों, लॉक लगे हुए इसमें सारे, तो हम थोड़ा ध्यान से इसको खोलते हैं। ये हो गया ओपन। दूसरा ओपन हो गया। सबसे पहले इसका बोर्ड हम खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों इसमें हुआ क्या है, जैसे हम यूज़ करते रहते रिमोट, खाना खाते हैं ना, तो हमारे हाथों से ऑयल यूएस के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है बटनों पे, और उससे उसके पीछे आ गया। तो सबसे पहले इसके स्विचेस को हम साफ़ करेंगे, देखेंगे उसके बाद हमारा रिमोट काम करता है या नहीं करता। तब तो सबसे पहले इसके स्विचों को साफ़ करेंगे, एक कपड़ा लेके थिनर की सहायता से हम इसको साफ़ करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये थिनर है कुप्पी में, ये इस पर कपड़े पर लिया और इसको मैं साफ़ करूँगा। इस तरीके से साफ़ करेंगे दोस्तों इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से। और इसका ये पैड भी साफ़ करेंगे दोस्तों। कार्बन तो इसके मुझे अच्छी कंडीशन में लग रहे हैं दोस्तों, कार्बन तो ख़राब नहीं हुए हैं पैड के, बस ये कि ऑयल की वजह से ये थोड़ा ख़राब हो गया है। थोड़ा अच्छी तरह रगड़े साफ करेंगे दोस्तों इसको। ये देखें थोड़ा बटन ना बैठा हुआ लग रहा है, तो देखते हैं इसके अंदर कोई गंदगी वगैरह तो नहीं फंसी हुई। देखिए दोस्तों इसमें गंदगी फंसी हुई है थोड़ी, तो आप चाहो तो इसको सर्फ़ के पानी से या डिटर्जेंट में डाल के इसको धो के तब भी लगा सकते हो। तो मैं फ़िलहाल तो धोऊंगा नहीं, मैं इसको ब्रश से क्लीन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके स्विचेस को मैं साफ़ करूँगा, थिनर लूँगा और इसके किनारों को मैं साफ़ कर लेता हूँ पहले, ताकि ये हमारे स्मूथ चलें या फंसेंगे ना उसमें बटन में। इनको साफ़ करूँगा दोस्तों पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बटन अटक रहे होंगे ना उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर गंदगी फंसी हुई ना गंदगी इसके अंदर, इसकी वजह से इन बटनों को चलने में दिक्कत आती है दोस्तों। देखिए दोस्तों कितने गंदे हो रहे हैं बटन, आप चाहो तो इसको वॉश भी कर सकते हो। इसी तरीके से हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और सारे बटन को साफ़ कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको फिट करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या कंडीशन है। देखिए स्मूथ हमारे बटन चलने लगे दोस्तों, एकदम स्मूथ हो गए सारे बटन, स्मूथ हो गए। अब इसको फिट कर लेते हैं फटाफट, फालतू चीज़ें सारी हटा देते हैं।
अब सारे बटन हमारे स्मूथ हैं दोस्तों बिल्कुल। अभी इसको हम फिट करके चला के देखते हैं। सेल इसमें लगा लेता हूँ मैं, ये सेल लगा लिए दोस्तों, बाद में इसको फाइनल करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं अपना धो लिया है टेस्टर और ये ऑन किया, देखिए ऑन हो गया एक बार में, ये पावर चिल आ गया, ये मोड देखिए दोस्तों कितना आसान था ना, देखिए दोस्तों कितना आसान था ना। और इसको कर देते हैं हम फिट, और हमारा इसी के साथ हमारा एसी का रिमोट ठीक हो गया दोस्तों। इसी प्रकार आप अपना एसी का रिमोट सर्विस कर सकते हैं या रिपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।